हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि आज का क्या टॉपिक होने वाला है। एमसीओ 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम अपने वेबसाइट पे हैं commercepathshala.blogspot.com। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा जो है http://www जो हमारा ये है commercepathshala.blogspot.com। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये टाइप करके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे। वहां से आपको क्लिक करना है इग्नू एमकॉम वाले पेज पे। आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, एमसीओ 5 में आपको जाना है। यहाँ देखो एमसीओ 5 लिखा हुआ है। वीडियोस अगर आपको वॉच करनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली वॉच कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एमसीओ 5। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वेब पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन विद आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे यूनिट्स के आंसर्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यू नो डिफरेंट कोर्सेज के, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पर जो अवेलेबल है आप उनको फिलहाल देखिए, और जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोज मैंने डाल करके रखे हुए हैं यूट्यूब में, मैं कह रहा हूँ वो सारे के सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर वो वीडियोस हैं। तो आपको जो आंसर्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं हमारे वेबसाइट पे वो तो मैं अपलोड करूंगा ही, साथ ही साथ आप अगर अगर हमारे वीडियोज को भी वॉच करेंगे जो की हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है जहाँ पे आप अभी देख रहे हो, तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा मार्क्स आपके जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप उन सारे वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको कंटेंट समझ में आ जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जो जो भी नोट्स अवेलेबल मैं कर पाऊंगा अपने वेबसाइट पे जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतनी बेहतर होगी, और आपके लिए भी आप भी प्रिपेयर कर पाओगे। बट आप वीडियोज को वॉच करो, वीडियोज को जितना वॉच करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना, तो आज के टॉपिक के बारे में आप बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जो मैनेजरियल जो चीजें होती है ना, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जब मैंने एग्जाम दिया था एमकॉम का तब भी मुझसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो आंसर में लिखा हुआ क्लिक हेयर, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे मतलब उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको पढ़िए, डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे और एग्जामिनेशन भी आपका बेहतरीन जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ठीक तरीके से बता सकूँ। तो जूम इन करने के लिए ये मैंने कर लिया जूम इन, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, या कर ही लेता हूँ, शायद ये विद इन द लिमिट हो, लेट मी सी, या इट इज विद इन द लिमिट। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है ना। तो रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ओवरव्यू ऑफ द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज बीन अप्लाइड टू एनीवन हु परफॉर्म्स द अकाउंटिंग वर्क विद इन अ फर्म एंड इट एनकंपासेस पर्सन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विच रेंजेस फ्रॉम, अब देखो कौन कौन से काम वो करता है या कौन कौन से काम वो कर सकता है, उसका रेंज कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहला है पोस्टिंग कस्टमर्स रिसीवेबल अकाउंट्स, है ना, जो भी कस्टमर्स रिसीवेबल अकाउंट होंगे उसमें पोस्टिंग करना, उसको तैयार करना। डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, जब आपके पास डेटा अवेलेबल होता है तो उस डेटा के हिसाब से आप अपने जो फाइनेंशियल अवेलेबल है आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि ठीक है या नहीं है, कहाँ पे क्या चीज करने की जरूरत है, तो वो करके आपको जो है डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प करना है मैनेजमेंट को। तीसरा नंबर पॉइंट होता है जो कि वो करते हैं वो है मेकिंग हाई लेवल डिसीजन इन अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमारा अकाउंटेंट जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है डिसीजंस में, ताकि वो हाई लेवल डिसीजंस ले सके, क्योंकि वही सारे चीजें जो है संभाल रहा होता है, राइट। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, उसके बाद हम एक एक करके जो उसके फंक्शन है उसको हम समझ जाएंगे ताकि हमारा रोल भी क्लियर हो जाएगा। जो फंक्शन होंगे वही उसका रोल होगा ना, है ना। तो ये दो पैराग्राफ फटाफट से कर लेते हैं फिर हम लोग डायरेक्ट रोल पे पहुंचते हैं। देर इज नो पर्टिकुलर एकेडमिक और प्रोफेशनल अकाउंप्लिशमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विद देम। मैनेजमेंट अकाउंट में ये कभी नहीं बोला गया है कि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास क्या प्रोफेशनल या फिर अकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया
इसका जो रोल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। द पोजिशनल स्टेटस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम कंसर्न और टू कंसर्न डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एंड सिस्टम इन द कंसर्न, है ना। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का क्या पैटर्न है या फिर क्या उसका सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है उसका पोजिशनल स्टेटस वेरी करता है। सपोज कोई एक छोटी कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगे हैं, तो वहां पे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, उसे बहुत सारे डिसीजंस नहीं लेने को कहे जाएंगे। बट अगर कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंपनी को रन करने में, राइट। सो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो पोजिशनल स्टेटस है वो वेरी करता है कंसर्न टू कंसर्न, है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग द अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का वो हेड होता है, तो वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो अच्छा रोल प्ले करता है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही इज नोन एज अ फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं माफी चाहूंगा, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें वो एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, और इस पोस्ट पे रह करके वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट एंड इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंटरनल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। He prepares the financial and cost control reports to satisfy the requirements of different levels of manager. जैसा कि आपको समझ में आया कि ये जो है बहुत ही important role play करता है अब data को collect करने में, उसको compile करने में, compile करने का मतलब है उसको सजाने में ठीक तरीके से, उसको report करने में और उस data को interpret करने में, जो भी accounting information उसको available है वो interpret करता है कि इस चीज़ें ठीक है या नहीं है, in future में जाकर के क्या होगा prediction करता है, और इसी तरीके से वो जो है financial और cost control reports तैयार करता है ताकि management जो है डिफरेंट तरह के लेवल्स पे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ठीक तरीके से कर पाए, है ना। ही कंप्यूट्स वेरिएंसेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल्स विद द स्टैंडर्ड्स विद एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस टू अदर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे तो कुछ क्या क्या बात बोली गई कि जो ये है कंप्यूट करता है वेरियंसेस को। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आपने जो सोचा था है ना वो, है ना, जो एस्टीमेट जिसको हम बोलते हैं, आपने सोचा कि आपका खर्च जो है एस्टीमेट में आपका 10 करोड़ खर्च आएगा, बट एक्चुअल में आपने देखा कि आपका 8 करोड़ खर्च आया, 1 करोड़ खर्च आया, 2 करोड़ आपके बच गए, राइट। तो ये क्या करता है, ये वेरिएंसेस, जो ये वेरिएंसेस जो 2 करोड़ का वेरिएंस हुआ ये कैसे हुआ, ये इसको कंप्यूट करता है कि जो स्टैंडर्ड है या फिर जो एक्चुअल है उसके साथ वो दोनों को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट निकालता है, इंटरप्रेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिफरेंट लेवल पे हेल्प कर सके और जो बिजनेस के और ओनर्स हैं उनको वो हेल्प कर सके, राइट। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्ले कर रहा है। दस द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्म्स अ स्टाफ फंक्शन एंड आल्सो हैज लाइन अथॉरिटी ओवर द अकाउंटेंट्स, है ना। वो एक स्टाफ फंक्शन भी परफॉर्म करता है, साथ ही साथ उसकी एक लाइन अथॉरिटी भी होती है सारे के सारे अकाउंटेंट्स के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नीचे जो है बहुत सारे अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजों को देख पाना, तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वो सारे रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इफ ही पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, ही इज इक्वल टू अदर फंक्शनल मैनेजर्स, है ना। अगर वो पार्टिसिपेट करता है प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज में तो फिर वो बराबर हो जाता है फंक्शनल मैनेजर्स के। तो आप एक तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एक फंक्शनल मैनेजर भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है प्लानिंग में और पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में, इसका मतलब वो एक फंक्शनल मैनेजर भी है, काम भी वो उस तरीके का कर रहा है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट अकाउंटेंट परफॉर्म्स स्टाफ फंक्शंस, है ना। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टाफ फंक्शंस होते हैं सिर्फ उसी को परफॉर्म करता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे उनको एक तरीके से फंक्शनल मैनेजर का जो है पोजीशन दिया गया है, और वो पॉलिसीज बनाते भी हैं और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट भी करते हैं, राइट। इफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड्स द फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड आर प्रेजेंटेड इन अ मैनर व्हिच अलाउज प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, है ना। अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो कि एक एक्यूरेट फैक्ट प्रोवाइड करता है और उसको प्रेजेंट करता है प्रॉपर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए, तो अगर किसी भी तरह की उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो वो जो है वो अपने रॉन्ग जजमेंट के लिए मैनेजमेंट उसको जो है हेल्ड करेगा, उसको रोक दिया जाएगा और उसके ऊपर जो भी एक्शंस लिए जाने चाहिए वो लोग लेंगे,
है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है क्योंकि वो फैक्ट्स इशू कर रहा है कि देखो मैंने ये कहा था, देखो यही चीजें हैं। अब अगर वो फैक्ट्स गलत निकले बाद में जा करके या कुछ गलत हुआ, तो इस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी उसी को लेनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज बायस्ड, अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो बायस अगर होगा, इनएक्यूरेट होगा एंड इज नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट फॉर रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, है ना। तो फिर वो जो है मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में, राइट। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया आई गेस। ये जो दूसरी वाली बात मैंने बोली वो बिल्कुल सही है ना, कि अगर कुछ भी वो डेटा प्रोवाइड करता है और उसके बेसिस पे अगर मैनेजमेंट को डिसीजन लेती है और वो अगर गलत निकल जाता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बट अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने पहले बात बोली थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है और अच्छे तरीके से जो भी प्रेजेंट करना चाहिए अच्छे तरीके से कर रहा है, इसके बाद भी अगर कुछ गलत हो जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती कि आपके वजह से ऐसा हुआ है ना, क्योंकि उसने सारे के सारे डेटा अपने जो है फैक्ट फिगर्स वो बिल्कुल सही रखे थे। लेकिन अगर डेटा गलत रखा होगा और मैनेजमेंट कोई गलत डिसीजन लेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को लेनी होगी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को लेनी होगी। अगर डेटा बिल्कुल सही है लेकिन मैनेजमेंट फिर भी कोई गलत डिसीजन ले रहा है, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैन नॉट के ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कैन नॉट बी हेल्ड है ना, ये कैन नॉट बी हेल्ड है, मैं कैन बी हेल्ड इस तरह से मैं पढ़ गया था स्पीड में, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है जब आप स्पीड से पढ़ते हो। बट हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए और मैं भी ध्यान रखूंगा अगली बार से, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा स्पीड में ना पढ़ाऊँ। मैं स्पीड में पढ़ाने के पीछे देखो बहुत सारे रीजंस है। रीजन सबसे पहला रीजन तो यही है कि टाइम बहुत कम है एग्जामिनेशन का, मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को कवर करना है ताकि मैं चीजों को अच्छे तरीके से बता पाऊँ। और इस तरह की गलती जब भी होती है मुझसे, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से ठीक कर लेता हूँ जैसे कि मैंने अभी किया। बट फिर भी अगर आपको इस तरह की गलती कहीं नजर आती है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे इस बात पर, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फंक्शन और रोल तकरीबन एक ही तरीके का है, तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इधर में, वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, वही सारी चीजें हैं पॉइंट वाइज है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So the functions of management accountant depends upon the position he occupies in the organization and requirements of the organization. The function of the controller, by whatever name he is called, have been laid down by the Controllers Institute of America, which are as follows. So, जो controllers इस Institute of America है, उसमें ये सारे के सारे points जो हैं बताए हैं कि एक management accountant का जो है ये सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम है planning and control. तो management accountant जो है वो establish करता है, coordinate करता है और maintain करता है एक integrated plan को, एक ऐसा plan जो कि integrated होगा, हर एक level पे हर एक operations में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उन सबको ये जो है establish करेगा, तैयार करेगा, coordinate करेगा और maintain भी करेगा, right? Such a plan world would provide to the extent required in the business cost standards, profit planning programs for capital investing and financing, है ना? Sales for cost and forecast and the expenses budgets together with necessary procedures to effectuate the plan, है ना? तो execute I guess होना चाहिए, पर जो भी हो यहाँ पे जो बात बोली गई वो यही है कि वो जो है प्लान एक तरीके से प्रोवाइड करता है हर एक ऑपरेशंस के लिए, प्लान को एस्टेब्लिश करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है, और वो इस तरीके से प्रोवाइड करता है ताकि जो भी बिजनेस की जो कॉस्ट स्टैंडर्ड है, जो उसकी प्रॉफिट प्लानिंग होगी, प्रोग्राम्स होंगे, है ना, उन सारी चीजों को कवर करता हुआ वो एक जो है प्लान तैयार करता है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अहुदा जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हिस्सा ले रहा है, इसका मतलब वो फंक्शनल मैनेजर है ना, वो सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं है, वो एक फंक्शनल मैनेजर है। इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रोलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने ये जो है पॉइंट्स जो है लेट डाउन किए हैं एक फंक्शनल मैनेजर के रूप में। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब एक फंक्शनल मैनेजर के रूप में काम करता है, तो फिर उसके क्या क्या फंक्शंस हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे बताई गई है। दूसरी पॉइंट है रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो रिपोर्टिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेजर्स द परफॉर्मेंस अगेंस्ट गिवन प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स उसको प्रोवाइड किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हुई हैं उसको वो मेजर करता है ना, परफॉर्मेंस को वो मेजर करता है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर इंटरप्रेटेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो रिजल्ट होंगे उसको हर एक लेवल पे चेक किया जाएगा बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं। दिस आल्सो इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन, है ना। अब इसके अंदर जो भी रिपोर्टिंग और इंटरप्रेटिंग है इस पॉइंट के अंदर, वो भी सारी चीजें हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? अकाउंटिंग का इंस्टॉलेशन, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा उसका, जो अकाउंटिंग सिस्टम जो होगा उसका इंस्टॉलेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन।
है ना। तो और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगा उसको भी रिकॉर्ड करने का काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, ताकि वो किसी भी तरह के डिविएशन को फाइंड आउट कर सके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन ले पाए। थर्ड नंबर पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो डेफिनेटली जब पॉलिसी बना रहा है तो उसको इवैल्यूएशन करने का काम भी उसी का होगा, साथ ही साथ जो हायर मैनेजमेंट पे होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं, उनका भी ये काम होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इवैल्यूएट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है ना। उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो जो है डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को यू नो इवैल्यूएट करे द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड स्ट्रक्चर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो कैलिबर होता है, जो एक एक तरीके से क्या बोलूं, जो सिंसियरिटी होती है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई थी वो उसको कितना इफेक्टिवली जज कर पा रहा है, वो उसको कितना इफेक्टिवली यू नो उसको इवेल्युएट कर पा रहा है, राइट। जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं तो उसका जो है इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एक अच्छा कैलिबर वाला होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, वो उसको अचीव कर सके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो उसको होना ही है, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंशियल्स के साथ खेलता है, फाइनेंशियल्स के बारे में उसको सारी जानकारी रखनी होती है, तो एट द सेम टाइम उसको टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी होगी, क्योंकि वो फाइनेंशियल्स के साथ खेल रहा है, फाइनेंशियल्स के साथ वो काम कर रहा है ना। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। तो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू प्रॉपर टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर डिफरेंट लॉज इन फोर्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, है ना। तो वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके गवर्नमेंट को चीजें जो है रिपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और एक तरीके से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी वो करता है ना। जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं टैक्स से रिलेटेड, है ना, उसको वो ठीक तरीके से फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहता है। ही हैज ऑल्सो टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना। वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके लिए वो जो है रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करता है और उसको सुपरवाइज भी करता है। ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट। तो इसका काम डेफिनेटली प्रोटेक्शन ऑफ एसेट है ना। The management accountant has to assure fiscal protection for the assets of the business through adequate internal control and proper insurance coverage, है ना। तो इसका जो main काम है, देखो insurance provide करने का काम इसका नहीं है, but insurance लेना है, ये बात जो है management accountant को ध्यान में रखना होता है। जो भी assets होते हैं उसके ऊपर वो insurance लेता है, ताकि in case of any you know wrongdoings किसी के द्वारा वो जो है उन सब चीजों को मैनेज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उसके एसेट्स को। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो फिस्कल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करे उन एसेट्स को जो कि बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। छठा नंबर और आखिरी नंबर पॉइंट है अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। He has to assess continuously the effect of various economic and social forces and government policies and interpret their effect upon the business towards the attainment of कॉमन गोल, है ना। जो भी उनका कॉमन गोल है उसको यू नो अचीव करने के लिए उनको जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं उसको अप्रेज करना, उसको चेक करना, उसको इवेल्युएट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी की सारी चीजों को कॉन्टिन्यूसली जो भी इफेक्ट होते हैं वेरियस इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीजों को वो जो है ठीक तरीके से देखता है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो भी उसको चीजें करनी चाहिए वो करता है, ताकि वो जो है कॉमन गोल जो है एक बिजनेस का उसको अचीव कर सके। द फंक्शंस एज स्टेटेड अबव कैन आल्सो प्रूव टू बी यूजफुल अंडर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। डेफिनेटली हमारे इंडिया में भी इस कॉन्टेक्स्ट में इसको किया जा सकता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो एक तरीके से मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वो एक फंक्शनल मैनेजमेंट के ऊपर के रूप में काम करता है। सम ऑफ द एवर फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। हमारे इंडिया में इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा और जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा ये परफॉर्म किए जाते हैं। बट सम टाइम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रिस्पांसिबल करते हैं इस चीज के लिए और वही जो है डिसीजंस लेते हैं। सम टाइम्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक कंपनी सेक्रेटरी भी होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और जैसे जैसे पूरी दुनिया जो है इंटीग्रेट होती जा रही है, सब एक दूसरे के चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जो बेहतरीन चीजें हैं एक दूसरे से वो सीखते हैं लेते हैं, तो ये एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जब हम लोग पूरी तरीके से इसी चीज को फॉलो करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको काफी पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और हाँ सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू।